कोरोना संक्रमण काल में भोपाल के संत हिरदाराम नगर में टोटल लॉकडाउन के दौरान होटल में पार्टी चल रही थी। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो पार्टी में शामिल रईस यादव ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से पुलिस सबको रस्सी से बांधकर पुलिस थाने लेकर आई। भोपाल के शाहपुरा में सड़क पर शराब पीकर पार्टी कर रहे लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में चोरी छिपे बैरागढ़ के टी वार्ड स्थित अक्कड़ बक्कड़ रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी। इसे बहुत ही गोपनीय तरीके से आयोजित किया गया था, लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। पुलिस के साथ भी पार्टी में मौजूद कुछ बड़े घरों के लोगों ने बदसलूकी की कोशिश की और ऊपर से फोन लगाकर दबाव बनाने का प्रयास किया। इस छापेमारी में बैरागढ़ पुलिस को होटल में करीब 50 लोग पार्टी करते मिले। इस मामले में होटल संचालक खुले तौर पर शहर में लॉकडाउन उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस सभी लोगों को रस्सी के घेरे में टी वार्ड से थाने तक जुलूस की शक्ल में लेके आ रही। थाना प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सभी के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। होटल के मैनेजर के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। होटल से शराब की कुछ बोतलें भी बरामद की गई हैं। कुछ लड़के लॉकडाउन का उल्लंघन करके होटल में पार्टी मना रहे थे, सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर और उनको सबको घेराबंदी करके पकड़ के लेके आए हैं। उस पर कार्रवाई की जा रही और कार्रवाई की जाकर उनको परिजनों को बुलाया जाएगा और उनको हिदायत दी जाएगी और कार्रवाई करके न्यायालय मामला पेश किया जाएगा। इधर शाहपुरा पुलिस ने महाकाल सोसाइटी में शनिवार रविवार की दरमियानी रात को सड़क पर शराब पार्टी कर रहे दो युवतियों सहित 8 लोगों पर आबकारी एक्ट और लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया है। डायल 100 को सूचना मिली थी कि त्रिलंगा स्थित महाकाल सोसाइटी में वाहिद खान नामक व्यक्ति के घर पर पार्टी चल रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां घर के सामने सड़क पर 8 लोग खड़े थे। सभी नशे में थे और खुले में शराब पी रहे थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। जिला दंडाधिकारी के आदेश अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद ये लोग एकत्रित होकर खुले में शराब पी रहे थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।